गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, टुडे वी विल कंटिन्यू द चैप्टर नंबर 13। ओके, हम लोग वेदर के बारे में पढ़ रहे थे। ओके, नाउ व्हाट इज़ द वेदर? वी ऑफन हियर पीपल से इट इज़ हॉट टुडे। हमने लोगों को कहते सुना है कि आज बहुत गर्म है। इट इज़ रेनिंग हैवली टुडे, आज बहुत बारिश हो रही है। व्हाट आर दे डिस्कसिंग, ये डिस्कसिंग क्या है? दे आर डिस्कसिंग द वेदर ऑफ ए प्लेस, ये डिस्कसिंग क्या है? उस जगह का वेदर, मतलब उस जगह का मौसम कैसा है? वेदर इज़ द डे टू डे कंडीशन ऑफ अ प्लेस, वेदर क्या है? एक दिन है जो कि उस जगह की कंडीशन को बताता है कि उस जगह की कंडीशन क्या है, कैसा वेदर है वहाँ पर। ओके, सो टुडे वी विल लर्न व्हाई डज द वेदर ऑफ अ प्लेस चेंज, मीन्स किसी भी जगह का वेदर चेंज क्यों होता है? द वेदर ऑफ ए प्लेस डिपेंड ऑफ द सन, द विंड, द क्लाउड्स एंड द रेन। जो वेदर होता है उस जगह का, वो डिपेंड होता है कि सूरज के ऊपर डिपेंड होता है, विंड के ऊपर डिपेंड होता है, क्लाउड्स के ऊपर डिपेंड होता है और रेन के ऊपर डिपेंड होता है कि वहाँ का वेदर कैसा है। सो फर्स्ट नंबर इज सन। सन, द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट, सन जो होता है वो हमें हीट और लाइट देता है। व्हेन द सन्स रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द अर्थ सरफेस इट इज़ एक्सट्रीमली हॉट, जहाँ पर सूरज की किरणें डायरेक्टली अर्थ पे पड़ती हैं जिस जगह पे, वहाँ पर बहुत अधिक गर्मी होती है। व्हेन द रेज आर स्लेंटिंग फॉर एग्जाम्पल इन द इवनिंग इट इज़ रिलेटिवली कूलर, जहाँ पर सूरज की किरणें स्लेंटिंग में पड़ती हैं, मतलब तिरछी पड़ती हैं, वहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा ठंडा होता है। अधिकतर शाम को क्या होता है कि सूरज की किरणें तिरछी पड़ती हैं, तो शाम को जो मौसम होता है वो थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। सेकंड नंबर इज़ विंड, ड्यू टू द हीट ऑफ द सन द एयर सराउंडिंग द अर्थ सरफेस ऑल्सो हीट्स अप, सूरज की गर्मी के कारण क्या होता है, जो एयर होती है अर्थ सरफेस के जो चारों तरफ की एयर होती है वो गर्म होती है। ओके, हॉट एयर राइजेज अप इन टू द एटमोसफियर एंड द कूलर एयर कम्स डाउन टूअर्ड द अर्थ सरफेस, जो गर्म एयर होती है वो एटमोसफियर में ऊपर उठती है और जो ठंडी एयर होती है वो हमेशा अर्थ सरफेस पे नीचे आती है। ओके, द मूविंग एयर इज़ कॉल्ड द विंड, इस तरह से जो मूविंग एयर होती है उसे हम विंड कहते हैं। नाउ विच विंड कैन ब्लो जेंटली और विथ ग्रेट फोर्स, विंड जो होती है वो जेंटली बहती है या फिर अपने फोर्स के साथ बहती है, या तो सामान्य तरह से बहेगी मतलब चलेगी या फिर फोर्स के साथ चलेगी। अ विंड विच ब्लोस जेंटली इज कॉल्ड ब्रीज, जो हवा होती है जो नॉर्मल चल रही होती है जेंटली, मतलब सीधी सिंपल सी चल रही होती है, दैट इज़ कॉल्ड ब्रीज। A wind that blows with great force is called gale. और जो wind जो बहुत force के साथ चल रही होती है उसे हम gale बोलते हैं। Okay? Now third number is clouds and rain. When the sky is cloudy, जब हमारा आसमान में बहुत अधिक बादल होते हैं, the weather is usually pleasant as the clouds block the direct rays of the sun. जब हमारे वेदर में क्या होता है, जब हमारा आसमान में अधिक क्लाउड्स होते हैं तो वेदर जो होता है वो प्लेजेंट मीन शांत होता है। एज द क्लाउड्स ब्लॉक द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन, और जो क्लाउड्स जो होते हैं वो सूरज की किरणों को क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं नीचे आने के लिए। क्लाउड्स ब्रिंग रेन, एक्सट्रीमली हैवी रेन अकम्पेंड विथ स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड स्ट्रॉम, मीन्स जब क्लाउड्स होते हैं तो उसके साथ क्या होती है, जब बरसात होती है तो जो बरसात होती है वो बहुत अधिक हवा के साथ, बहुत अधिक हवा के फोर्स के साथ जब बहती है तो उसे हम स्ट्रॉम बोलते हैं। स्ट्रॉम कैन कॉज डैमेज टू ट्रीज, बिल्डिंग्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, जब स्ट्रॉम आता है मीन्स हवा के साथ साथ बारिश भी होती है और बहुत अधिक तेज़ हवा चल रही होती है तो उसके कारण, स्ट्रॉम के कारण बहुत से ट्रीज, बिल्डिंग्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स को नुकसान होता है, नुकसान पहुंचता है।
स्टॉर्म कैन कॉज डैमेज टू ट्रीज बिल्डिंग्स एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स देर आर टाइम्स वैन इट डज नॉट रेन फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जहाँ जहाँ पर बारिश नहीं होती है काफ़ी लंबे समय तक, दैट इज़ कॉल्ड ड्रॉट, दिस इज़ कॉल्ड ड्रॉट। वहाँ पर उसे हम क्या कहते हैं, ड्रॉट बोलते हैं। ड्रॉट मीन्स होता है सूखा, जिसे हम बोलते हैं सूखा पड़ गया। ओके, दिस इज़ कॉल्ड ड्रॉट। एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन डाई इन देयर इन द ड्रॉट पीरियड्स। ऐसी जगह क्या होता है जहाँ पर हमारा ड्रॉट पीरियड्स चलता है, वहाँ पर एनिमल्स और प्लांट्स क्या होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड एक्सेसिव रेन्स कैन लीड टू फ्लड। और दूसरी तरफ क्या होता है, अगर बहुत अधिक बारिश होती है तो उसकी वजह से बाढ़ आ जाती है। फ्लड्स में डैमेज क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स, ह्यूमंस एंड एनिमल्स मे ऑल्सो गेट डाउन इन फ्लड्स। फ्लड्स के कारण कहीं कहीं बहुत सी हमारी फसलें, बिल्डिंग्स ख़राब हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं। ह्यूमंस एंड एनिमल्स गेट ड्राउन्ड इन फ्लड्स, और बहुत से ह्यूमंस और एनिमल्स जो होते हैं उस बाढ़ में बह जाते हैं, उनको भी काफ़ी नुकसान होता है। ओके, इट हैज़ फिनिश्ड एंड टुडेज योर होमवर्क इज़ वॉच द वीडियो एंड रीड द चैप्टर।